हिंदुस्तान प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत। एक बार मैं फिर आपके लिए एक बहुत मनोरंजन भरा प्रोग्राम लेके आया हूं। जी हां, फिर वही उत्तराखंड की पार्श्व गायिका रीना मेहता और उनके साथ एक उभरती हुई आर्टिस्ट अदाकारा जो धीरे धीरे उत्तराखंड में धूम मचा रही हैं, रिया तिवाड़ी जी हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले बात आप हम ये बताएं, जो ये आपका पारंपरिक जोड़ा है जो आप अभी आप थोड़ी देर पहले शूट भी हुआ, जिसको आपने भी गाया, काफी आर्टिस्ट यहाँ पे थे, तो आपने ये क्या गाया और ये कौन सी मतलब यहाँ पे किस चीज से इसको जाना जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ये झोड़ा है जी, जो आजकल गा नहीं पाते हैं लोग जी, तो मैं हमने सोचा कि मतलब पुराने हुए झोड़ा को हम दोबारा गाए। ये झोड़ा हरीश वर्मा जी ने लिखा था, बहुत अच्छे लेखक हैं वो जी। और अच्छा लिखते हैं, तो ये झोड़ा उन्होंने मेरे को दिया था और मैंने रिकॉर्ड किया था। आज शूटिंग हो गई है इसकी जी। तो कार्यदर्शन म्यूजिक पे जल्द से जल्द आपको सुनने को मिलेगा। और मेरे दो गाने पहले भी निकले थे जी। ये तीसरा झोड़ा इस चैनल में निकलेगा। कुछ हमारे दर्शकों को जरा गुनगुना के सुनाएंगे, जरा क्या था ऐसा, कौन सा गीत आपका था वो, थोड़ा सा हल्का सा एक दो लाइन आप कहिएगा। जी सर जी, ये मेरा पहला भजन, जब मैंने सुम चैनल खोला था तो मेरा पहला भजन आया था, माता रानी का भजन था जी। तो न्यायकारी, जैसे गोलू देवता को माना जाता है, वो न्यायकारी माता है कोकिला जी, तो वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। तो मैंने उन्हीं के नाम का एक भजन बनाया था। तो आप मूल निवासी पिथौरागढ़ की हैं क्या? हाँ सर। अच्छा। मेरा मायका है वहाँ पिथौरागढ़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैडम आपने वो क्या गीत बनाया, जरा हमारे दर्शकों को गुनगुनाएं। जी सर। माँ भगवती माता को किला देन है जाए महाकालिका, माँ भगवती माता को किला देन है जाए महाकालिका, तेरे दरबार मैया भगतों की भीड़ मैया भगतों की भीड़, हर मन की तू जन छे के कसी छुपीड़ मैया के कसी छुपीड़, बिनती सुनिए उपकार करी दे माँ भगवती माता को किला, माँ भगवती माता को किला देने है जाए महाकालिका। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया गाया मैडम आपने, बहुत अच्छा मधुर गीत था। और मैडम आपकी कोई आने वाली विशेष एल्बम जिसमें आप विशेष रूप से कुछ काम कर रही हो? सर, आज जो झोड़े का हुआ था जी, वो झोड़ा है, एक झोड़ा मेरा पहले भी आया था जी। किस नाम से था वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं, जरा तो एक आध लाइन उसकी भी सुनाएं। झोड़े की लाइनें थी जो मैंने खुद लिखा था वो ये झोड़ा जी। ओहो बाजो बाजो बाजे मोहना त्यारे होने की बाजो, ओहो बाजो बाजो बाजे मोहना त्यारे होने की बाजो, ओहो छाजो छाजो छाजे रूमाला हाते रूमाला छाजो, ओहो घाटे में की घोड़ी मोहना घाटे में बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर गाया। और मैडम कोई आने वाले जैसे कुछ नए कलाकार हैं, जैसे आपके अभी कालिदर्शन म्यूजिक का आपका कार्यक्रम चल रहा है, कोई आप नए कलाकारों के लिए आपके उसमें चैनल में क्या मतलब उनका भविष्य क्या है, थोड़ा बताएंगे उनके लिए आप क्या सोचा है कुछ नए कलाकारों के बारे में? बारे में था
एक तो दो गाने अब बना रखे हमने, जल्द से जल्द मैं अपने चैनल के लिए लाऊंगी। तो एक तो मेरा चैनल का नाम है कालिदास म्यूजिक करके है मेरा चैनल, तो आप लोग उसमें सुन सकते हैं। जो एक झोड़े का आज मेरा शूटिंग हुआ था जी। और बाकी हम अपने चैनल के लिए नए नए गाने लाते रहेंगे। यहाँ पे पिक्चराइज हुआ जिसमें काफी लोग थे, रिया तिवारी जी। रिया धन्यवाद मेहता जी का। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे आप एक रंगमंच अदाकार हैं और बहुत एल्बम में आपने काम किया है और बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, आप लिखती भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, तो ये सब मतलब किस प्रकार से आप कर लेती हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहला मेरा इस तरफ एक्टिंग की तरफ और डांस सिंगिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, और एक स्टूडेंट होने के साथ साथ पढ़ाई की तरफ मेरा पूरा फोकस रहता है, और थोड़ी बहुत टाइम निकाल कर मैं गाना गा लेती हूँ, इस सब पे भी फोकस कर लेती हूँ। आज आप जैसे इस झोड़े में शामिल थी और आपने एक्टिंग भी करी, बहुत अच्छा लगा, तो कुछ इस एक्टिंग में आपको कैसा लग रहा था? यहाँ काफी लोग यहाँ इकट्ठे थे, भीड़ भाड़ थी, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। ये जो काली दर्शन चैनल है ये एक बहुत अच्छी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनकी थीम है जो हमारी पुरानी संस्कृति खो रही है, जो जैसे कि अब लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति को, झोड़े को और जो हमारे पुराने गाने हैं उन सबको भूलते जा रहे हैं और नई परंपराओं को शामिल कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमें अपने पुरानी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है और हमें आगे बढ़ने से भी नहीं कतराना है। तो जैसा कि आज सभी लोग हम लोग शामिल थे और बहुत अच्छा झोड़ा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी महिलाएं आई थी, महिलाओं को भी बहुत मौका मिला ये झोड़ा करने का, और जो महिलाओं के मन में उमंग थी उनकी उत्साह को देखकर और भी अच्छा लगा। रिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप काली दर्शन म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई हैं और आपने उनके साथ अभी अभिनय भी किया है, उस जोड़े में आप शामिल थी और आपने एक्टिंग भी करी, बहुत अच्छी अदाकारा हैं आप हमें ये बताएं कि जो इसकी कंपनी के चेयरमैन हैं रमेश मेहता जी, उनके साथ आपको काम करते समय कैसा लगा, उनके साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और आगे उनके साथ आप कौन सी एल्बम कर रही हैं? मुझे सर के साथ जुड़े हुए 5 महीने हो चुके हैं, और सर का स्वभाव सभी कलाकारों के लिए इतना अच्छा रहता है, इतना प्रेम भरा रहता है, जो भी उनके साथ नया जुड़ता है तो ऐसा लगता नहीं है कि हम अभी अभी उनसे परिचित हैं, लगता है कि बिल्कुल कितने सालों से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा लोग सभी के साथ व्यवहार बनाए रखते हैं, जैसे अभी शूटिंग के लिए कलाकार आए हुए थे, सभी को लाना ले जाना सारी जिम्मेदारी सर ने अपने पास रखी हुई थी, और उनके खाने की व्यवस्था भी सर ने करी हुई थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी ऐसे कलाकार से मिलते हैं जो दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं सर। रीना जी, जैसे कि आप खुद एक राइटर भी हैं, लेखिका हैं, आप लिखने का प्रयास कर रही हैं, और अभी आपके दो एकाध कुछ गाने शायद आपने लिखे भी हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो उनकी मैं आपसे सुनना नहीं चाहूँगा, लेकिन किस टाइप के आप गाने लिखते हैं वैसे हमारे दर्शकों को बताएं? गाने मैं ज़्यादातर पहाड़ी गाने लिखते हैं, और इन गानों को लिखने में मेरा सहयोग मेरे पापा करते हैं। बहुत अच्छे, मतलब जैसे कहीं पे हम राइमिंग वर्ड्स का गानों में यूज़ करते हैं तो मेरे समझ में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरे पापा मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं उस चीज़ के लिए, और मुझे बहुत सपोर्ट भी देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे घर वाले हमें सपोर्ट ना करें तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जैसे हमारे सर है रमेश सर, तो उनकी मिसेस को गाने का बहुत शौक था, तो सर ने उनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, सर ने उनको सपोर्ट किया, और आज रीना मेहता मैम जो है वो आज इतनी अच्छी बड़ी कलाकार बन चुकी हैं उत्तराखंड में, हर कोई बच्चा उनको जानता होगा, इतने अच्छे अच्छे उनके गाने आ रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन मैं चाहूँगी कि मैं भी आगे आऊँ, और मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो यही चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक गाना मैंने लिखा हुआ है, पहाड़ी सॉन्ग है, जानी कब आलोईजू, तो इसमें एक आर्मी लड़का होता है, वो अपनी अपने घर बार छोड़कर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो फिर तब वो अपनी कहता है कि जानी कब आलोईजू चैतो महेड़ा इज मेरी चाई रोली, ऐसे करके बोलता है, तो वो बताता है बहुत दुख भरा ये गाना है, ये मैंने गाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी।